बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैलकुलेशन किया था ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम। हमने क्या नहीं देखा था, अगर आप ध्यान से देखें, हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये मेरे पास रिंग की एक्सिस पे हमने फील्ड निकाली थी, तो फील्ड हमारी कहाँ आई थी, एक्स डिस्टेंस पे, आर रेडियस का रिंग है ये, चार्ज ऑन द सर्कमफेरेंस क्यू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस, ठीक है। सर्कुलर रिंग है बच्चों ये, ऐसा शेप देने का मतलब क्या है कि ये रिंग ऐसे प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज प्लेस्ड, दिस रिंग इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो हमने यहाँ एक्सिस पे फील्ड निकाली थी, तो एक्सिस पे फील्ड कहाँ आई थी, रिंग के एक्सिस पे फील्ड आई थी यहाँ अलोंग द एक्सिस, ठीक है, ये फील्ड आई थी, क्लियर। अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज है तो रिंग कहाँ, फील्ड कहाँ होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, और रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्लियर। तो हमने बच्चों ये फील्ड क्या कैलकुलेट की थी, फील्ड का कैलकुलेशन हमने किया था ex इज इक्वल टू, अगर आप याद करें, 1/4πε0 qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हमारा फील्ड का कैलकुलेशन था। इसी पे हम डिस्कशन को अपने आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ डिस्कशन को कहाँ आई थी, ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ इसकी डायरेक्शन, तो ये कहाँ आती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पे आती है ये, ठीक है। जिन लोगों ने ये कैसे प्रूफ हुआ है, पर ये कहाँ से आया है ये, तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था 4-5 दिन पहले, उस लेक्चर से गो थ्रू हो जाएं आप, वहाँ हमने इसका प्रूफ देखा है, वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग इससे जस्ट पहले वाला वीडियो वॉच कर लें। तो केस वन अगर मैं यहाँ देखूँ, फर्स्ट केस में हम यहाँ देखें, एट सेंटर ऑफ रिंग, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो रिंग के सेंटर के लिए एक्स जो है, एक्स कितना होगा, ज़ीरो, और जब मैं एक्स को यहाँ पे ज़ीरो रखूँगा तो ई एक्स जो है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे जो फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या होती है, ज़ीरो, क्लियर बच्चों। नाउ द सेकंड केस इज, माय सेकंड केस इज, इफ x is greater than r, this x is greater than this radius of the ring, clear? If x is greater than r, तो यहाँ पे क्या neglect होगा, r square neglect हो जाएगा, r square और small हो जाएगा, तो r square जब neglect होगा तो क्या बचेगा यहाँ, x square to the power 3/2, x square to the power 3/2 means x cube बचेगा, डिनोमिनेटर में ओनली एक्स क्यूब बचेगा और एक एक्स ऊपर है, तो एक्स एक्स क्यूब से एक एक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स जो है वो क्या आएगा आपका, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, ये क्या सिचुएशन हो गई, ये किसका फार्मूला है, पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला है, पॉइंट चार्ज क्यू से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज क्यू का है, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिंग से, रिंग के रेडियस के कॉम्परेटिवली एक्सिस पे बहुत ज़्यादा फार डिस्टेंस पे चले जाएं, तो रिंग कैसे बिहेव करेगी, इन दिस केस रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, इन दिस केस रिंग, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिंग्स बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। पूछता है किस कंडीशन में रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, तो वो कंडीशन ये है कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो इन दिस केस रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है बच्चों। नाउ द थर्ड केस इज, तीसरा डिस्कशन देखें, रिंग के सेंटर पर फील्ड क्या है, ज़ीरो,
रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या निकाली हमने, जीरो। और अगर रिंग से मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊँ तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगी, अगेन जीरो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ, कि मैं इस फील्ड के, इस रिंग के फील्ड के आउटसाइड चला गया, तो फील्ड के, रिंग के फील्ड के आउटसाइड फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सेंटर पे फील्ड जीरो, इन्फिनिटी पे फील्ड जीरो, ठीक है। तो वैल्यू जब मैं सेंटर से इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो वैल्यू जीरो से अगेन जीरो हो रही। दिस मीन्स दैट जब हम सेंटर से चलना शुरू करेंगे तो फील्ड जीरो से बढ़ेगी। जीरो से वैल्यू जीरो कब होगी, इसका मतलब फील्ड जीरो से बढ़ रही होगी, बढ़ने के बाद एक पॉइंट पे जाके फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो रही होगी, मैक्सिमम होने के बाद वहाँ से फील्ड फिर डिक्रीज हो रही होगी और डिक्रीज होकर अगेन जीरो हो जा रही होगी, राइट। मीनिंग टू से कि एक्सीस पे कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर है जहाँ पे फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। तो मैंने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर फील्ड मैक्सिमम है। तो जब मैं मैक्सिमम पॉइंट निकालना चाहता हूँ तो मैक्सिमम मिनिमम हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने ये चेक करना है कहाँ एक्स की किस वैल्यू के लिए ये ई एक्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा ई एक्स, ई एक्स इज मैक्सिमम, ई एक्स इज मैक्सिमम वेयर, वेयर क्या बच्चों, डी ई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी ई एक्स अपॉन, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और जीरो से इक्वेट करा दूंगा। मैक्सिमम मिनिमम मैंने ये डिस्कशन में लिया है, और इस सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन का को डिफरेंशिएट किया था अपने थर्ड फोर्थ लेक्चर में कूलम्स लॉ में, जहाँ मैंने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने सेकंड प्रॉब्लम जो डिस्कस किए सिमिलर एक्सप्रेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे जीरो से इक्वेट कराएंगे डिफरेंशिएशन, या एक्स अपॉन या क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये वेरिएबल टर्म है, ठीक है। डिवीजन फार्मूला लगा के आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को जीरो से इक्वेट कराएंगे, तो जीरो से इक्वेट कराने के बाद, ये सब काम करने के बाद वी गेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए होमवर्क है, ये सब करके देखना है आपने, वी गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है। वहाँ जहाँ पे मैंने इसको डिस्कशन में लिया था मैक्सिमम मिनिमम में, वहाँ पे ये एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आर अपॉन टू रूट टू आई थी हमारी दो चार्जेस के लिए, बाई सेक्टर पे वो पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था जहाँ पर फोर्स मैक्सिमम हो, ठीक है। वो सिमिलर एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे क्या आया है, प्लस माइनस आर बाई रूट टू, क्लियर। मीन्स कि आर बाई रूट टू, दो पॉइंट होंगे ना, अगर ये रिंग है, अगर आपके पास ये रिंग है तो रिंग के एक्सीज आर बाई रूट टू इधर, आर बाई रूट टू रिंग के मैं इधर जाऊँ, सेंटर से इधर जाऊँ आर बाई रूट टू या उधर जाऊँ, एक ही बात है। तो फील्ड आर बाई रूट टू और माइनस आर बाई, सेंटर से मैं सेंटर से आर बाई रूट टू इधर जाऊँ तो प्लस आर बाई रूट टू गया, आर बाई रूट टू इधर जाऊँ तो मीन्स माइनस आर बाई रूट टू गया, अगर मेरा सेंटर ओरिजिन है। तो ये दो पॉइंट होंगे आर बाई रूट टू और माइनस आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू एंड माइनस आर बाई रूट टू, दो पॉइंट होंगे जहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, क्लियर। तो फील्ड मैक्सिमम है प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर। अब मैं जब मुझे वो पॉइंट पता लग गया जहाँ फील्ड मैक्सिमम है, तो फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे, इस एक्स को उठा के यहाँ पुट कर दूँ तो फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड इज, इस रिजल्ट को आपने याद करना है, ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड इज क्या कर रहा हूं बच्चों, x की जगह यहां पर इस x को उठा के इस एक्सप्रेशन में रखना है, इस x को उठा के इस एक्सप्रेशन में रखना है, तो ई मैक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू रूट टू रखूंगा, तो ये प्लस माइनस साइन मैंने आगे रख दिया, q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन अंडर रूट टू अपॉन यहां से आर स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर करेंगे
तो प्लस हो या माइनस, स्क्वायर की वैल्यू सेम ही होगी, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन टू टू द पावर 3/2। ठीक है, कितना आ गया ये, 2R² प्लस आर स्क्वायर, एल सी एल लूंगा 3R² अपॉन टू। तो ई मैक्स आया आपका, ई मैक्स आया आपका निकल के बच्चों प्लस माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 3R² अपॉन 2 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो 3 की पावर 3/2 क्या हो गया बच्चों, ऊपर है आर अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 3 टू द पावर 3/2 इज 3√3, आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज आर क्यूब या स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब को मैं लिख रहा हूँ आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, या आर स्क्वायर इंटू आर, ये लिख रहा हूँ आर क्यूब को, और नीचे क्या बचेगा, 2 √2 की पावर 3/2 तो 2 को यहाँ लिख रहा हूँ उसके साथ और अंडर रूट 2 को यहाँ लिख रहा हूँ उसके साथ, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या आया आपके पास, ई मैक्स आया मेरे पास प्लस माइनस 2 अपॉन 3√3, पहले 1/ε0 टर्म के टर्म में, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्स्टेंट है, इसके टर्म में अगर हम रिजल्ट देखेंगे क्यू इज इक्वल टू ईमैक्स, क्या आएगा ईमैक्स आएगा बच्चों प्लस माइनस 2 अपॉन 3√3 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा आपको ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू फील्ड की। दूसरा क्या मिलेगा, इसको कैंसिल किया मैंने, 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6, ex इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अपॉन 6√3πε0 आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्लस माइनस R/√2 पे फील्ड मैक्सिमम है, और फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये, या तो ये होगा एक्सप्रेशन आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, या फिर ये होगा क्यू अपॉन 6√3πε0 r², या 2 √3√3 1/4πε0 q/r². ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग इज प्लॉट, इस फील्ड को अगर हम प्लॉट कर दें, तो इसका प्लॉट अगर हम देखें बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं, प्लॉट इसका कैसा होगा, ये एक्सीज है, ये सेंटर है, तो यहां पे मैं प्लॉट ले रहा हूं इसका, तो ये हो गई एक्सीज, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, और यहां पे इस एक्सीज पे प्लॉट कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स प्लॉट कर रहा हूं। तो सेंटर पे हमने फील्ड क्या देखी थी, जीरो, सेंटर पे फील्ड क्या देखी थी, जीरो, सेंटर से जब हम बाहर निकलेंगे, रिंग का सेंटर है ये, रिंग के सेंटर पे फील्ड जीरो है, तो बाहर निकलूंगा फील्ड मिलना शुरू होगी, और R/√2 पे पहुंचूंगा तो फील्ड बढ़ेगी, बढ़ने के बाद एक पॉइंट मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होने के बाद घट के फिर इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी। ये जो है ये कहाँ जाके मिलना है, ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करना है इससे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। क्या निकाला हमने ये पॉइंट, R/√2। ठीक है, और ये वैल्यू क्या क्या निकाली हमने, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ये निकाली ई मैक्स, ये वैल्यू इसको मैं लिख रहा हूँ ई मैक्स, ये वैल्यू ई मैक्स है। ठीक है, अब मैं इधर चलूँ, इधर चला नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अगेन इधर कुछ इधर जाऊँगा फील्ड उधर है,
इस वाले पॉइंट के लिए फील्ड की डायरेक्शन इधर जाएगी, और आप जानते हैं जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेक्टर की तो वेक्टर क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है फील्ड की, तो इधर के लिए क्या प्लॉट करूँगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मतलब यहाँ जाएगी फील्ड, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ के लिए थर्ड क्वाड में प्लॉट होगा, तो थर्ड क्वाड में कैसे प्लॉट होगा, अगेन सिमिलर ऐसे ही प्लॉट होगा, फील्ड बढ़ेगी, बढ़ने के बाद मैक्सिमम होके घट के ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऐसे डिक्रीज होके ज़ीरो। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, माइनस आर बाई अंडर रूट टू, और ये वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी, माइनस ई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड एट कहाँ, माइनस आर बाई रूट टू। तो ये आपका प्लॉट है फील्ड का। तो रिंग के लिए ये कंप्लीट डिस्कशन है आपके लिए। इसी साल 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, ये रिंग के लिए क्वेश्चन उसने 5 मार्क्स में पूछा है। लास्ट में जब 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रिंग का केस पूछा है उसने इस साल, ठीक है बच्चों। बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखें जो मैंने सारा डिस्कशन किया है सब कुछ। नाउ सेकंड सिचुएशन को ध्यान दें, बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहा हूँ। This figure shows portion of the ring, portion of a ring of radius r, ठीक है। This is the center and this portion of the ring makes an angle alpha at the center of this ring, ठीक है बच्चों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन this portion, this is the circular portion, charge distribution is uniform and continuous, total charge on this circular portion is q and radius of this portion is r, charge distribution is uniform and continuous। मुझे क्या करना है, इस सर्कुलर पोर्शन के सेंटर पे फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर ये पोर्शन सेंटर पे एंगल अल्फा बना रहा है तो फील्ड कहाँ आएगी, ध्यान दें, फील्ड आएगी अलॉन्ग द बाइसेक्टर ऑफ दिस पोर्शन। अगर ये एंगल अल्फा है, ये टोटल एंगल अल्फा है, ये तो इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई फील्ड आएगी, यानी ये कितना एंगल होगा, अल्फा बाई टू। यहाँ पे आएगी फील्ड अलॉन्ग द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो फील्ड की डायरेक्शन टूअर्ड द चार्ज चली जाएगी, बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही आएगी, बट डायरेक्शन नीचे ना होके कहाँ होगी, ऊपर को होगी, ठीक है बच्चों। इसको प्रूफ वैसे ही करते हैं एग्जैक्टली जैसे हमने पिछला रिंग वाला केस लिया, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे सेंटर पे, इसके इस पोर्शन के सेंटर पे, और छोटे से एलिमेंट से फील्ड का कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट को वैसे ही कंपोनेंट में ब्रेक करके इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। नाउ मैं वैसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ रिजल्ट दे रहा हूँ आपको, डायरेक्टली रिजल्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास जेई मेंस में, नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जो मैं यहाँ जनरल केस, जनरल रिजल्ट दे रहा हूँ, उस रिजल्ट को आपने याद करना है, और याद करने के बाद सारे रिंग के जितने भी पोर्शंस होंगे, जो भी शेप दिए होंगे, सबके ऊपर लगा डालना है, जो भी रिंग का पोर्शन दिया होगा उसके ऊपर उसको लगा डालना है। तो ये फील्ड जो आती है सेंटर पर कितनी आती है इस फील्ड को, इस फील्ड के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, क्यू अपॉन
टू पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई टू। कितनी आई? क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा आर स्क्वायर इंटू अल्फा बाई टू। कहाँ आती है, कहाँ आती है? ये एक चीज़ पहले ध्यान रखनी है, वेयर अल्फा इज इन रेडियन। यहाँ पे ये जो अल्फा है इसको हमेशा रेडियन में पुट करना है, डिग्री में पुट नहीं करना। अगर आपने यहाँ डिग्री में पुट कर दिया तो रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ आती है? अलोंग बाइसेक्टर ऑफ एंगल अल्फा। अब मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं, यहाँ से ग्रेविटेशन को रिलेट करना शुरू कर दूं, ठीक है। कुछ जनरलाइज फार्मूले ग्रेविटेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ग्रेविटेशन के लिए अगर रिजल्ट देखें हम सिमिलर सिचुएशन में, तो ग्रेविटेशन को करने के लिए आपने क्या करना है? ग्रेविटेशन के केस के लिए सेम केसेस आपको ग्रेविटेशन में मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने 1/4πε0 जो यहाँ पे फॉर्मूले में आएगा उसकी जगह कैपिटल जी रिप्लेस करना है, ठीक है। कैपिटल जी रिप्लेस करना है और 1/ε0 की जगह पर 4πg लेके आना है और चार्ज q की जगह पर मास लेके आना है। ये रिप्लेसमेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये रिंग हो, इसका मास यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस रिंग इज यूनिफॉर्म, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पोर्शन, कहाँ आती है ग्रेविटेशनल फील्ड? हमेशा ध्यान रखेंगे टुवर्ड्स द मासेस आती है, मासेस की तरफ आएगी। अगर मैं सेम ग्रेविटेशन का केस बनाऊँ, अगर ये एम मास का सर्कुलर पोर्शन है और यहाँ पे फील्ड आएगी टुवर्ड्स द मास, ये एंगल अगर अल्फा है तो कहाँ आएगी? अल्फा बाई टू बाइसेक्ट करती हुई आएगी। क्या करना है? क्यू की जगह एम डालना है, क्यू की जगह आपने क्या करना है? एम डालना है। 1/2πε0 आया, इस 2πε0 की जगह 2 उधर ले जाओ, क्या डाल देंगे? 1/2πε0 की जगह 2g, तो क्या हो गया ये 2gm। 1/2πε0 की जगह 2g, q की जगह m, अल्फा r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इंटू साइन अल्फा बाई टू। सेम केस मैं भूल गया, रिंग पिछला वाला केस जो होल रिंग आपने डिस्कस की उसके एक्सिस पे फील्ड निकाली हमने, 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर यूनिफॉर्म रिंग हो जिसका जिस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी? 1/4πε0 की जगह जी, क्यू एक्स की जगह एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। याद रखें 1/4πε0 को कैपिटल जी से रिप्लेस करेंगे, 1/0 को 4πg से रिप्लेस कर देंगे, क्यू को एम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये सिमिलर काउंटर पार्ट बन गया किसका? ग्रेविटेशन का, बिल्कुल ग्रेविटेशन का बन गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास ज़्यादातर चांसेस ये हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई में, नीट में, कि यहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, लेकिन कोई गारंटी नहीं आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक उसने इससे क्वेश्चन पूछा है, रिंग के ऐसे केसेस से क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैट से, सेम क्वेश्चन वो ग्रेविटेशन में भी ले जाकर पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। ये बस ये आपको ध्यान रखना है, एक फार्मूला लर्न करें, ये रिप्लेसमेंट याद रखें, वो अपने आप रिप्लेस कर देंगे। अल्फा को यहाँ हमेशा रेडियन में रखना है, क्लियर। अब मैं इस फॉर्मूले को डिस्कशन में आगे लेता हूं। अब मान लो सपोज, इसको नोट करें और इसे याद कर लें इस फॉर्मूले को। क्या निकाला हमने? फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, क्यू अपॉन 2πε0 अल्फा आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई टू। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा आपके पास, अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर पोर्शन है
सेमी सर्कुलर पोर्शन इसके सेंटर पे फील्ड निकालनी है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस पोर्शन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग इज यूनिफॉर्म। हमने इसके सेंटर पे फील्ड निकालनी है, तो सेंटर पे फील्ड कहाँ आएगी, ये एंगल कितना है 180 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करती हुई आएगी, यहाँ आएगी बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक है, पाई बाई टू होगा ये एंगल, कितनी आएगी, अल्फा कितना है यहाँ, अल्फा कितना है यहाँ बच्चों, पाई, रेडियन में पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर अल्फा पाई की, यहाँ पर अल्फा पाई और यहाँ पर पाई पुट कर दो, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई रखूँगा तो पाई इंटू पाई कितना हो गया, टू पाई स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर और साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन। ये फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इसको लर्न करना है, जो मैंने लिखा है ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हर हाल में लर्न करना है। ठीक, नाउ ये लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ दिस सर्कमफेरेंस, अगर ये रेडियस आर है तो लेंथ कितनी है, ये टू पाई आर का हाफ, पाई आर, तो एक पाई और एक आर निकाल के इसके साथ ले गया मैं ऊपर, तो क्यू अपॉन पाई आर, तो नीचे एक पाई बचा, टू पाई एप्सिलॉन नॉट और एक आर बचा, ठीक है, ये कितना है चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, दिस इज लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा के टर्म में ये एक्सप्रेशन क्या होगा, लैम्डा के टर्म में आएगा फील्ड, फील्ड आएगी लैम्डा के टर्म में, लैम्डा अपॉन, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड दिस इज द फील्ड इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्लियर बच्चों, अगर हमारे पास ये क्वार्टर सर्कल है, मैंने ये जनरल रिजल्ट पे लगाया है केस डायरेक्टली, बुक्स में प्रूफ करता है इसको छोटे छोटे एलिमेंट लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये आएगा आप छोटे छोटे एलिमेंट लेके इसको प्रूफ करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो वो टाइम उतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप इस रिजल्ट को याद करके किसी भी सर्कुलर पोर्शन पे आप इस रिजल्ट को अप्लाई करिए, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगेन दिस इज क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल के सेंटर फील्ड कहाँ आएगी, अगेन इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ये कितना एंगल बना, अल्फा कितना है यहाँ, 90 डिग्री नहीं लेना है, क्या लेना है, पाई बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पाई बाई टू रखो, जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पाई बाई टू रखोगे तो क्या आएगी बच्चों, ई एक्स, ई एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्या आएगी, ई ई आएगी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई बाय 2, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई बाय 2 आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय 2 अपॉन 2, तो पाई बाय 4, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल होगा और यहां से साइन पाई बाय 4 इज 1 बाई रूट 2, तो ये क्या बनेगा आपका जाकर, q अपॉन अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल। ये दोनों सिमिलर केसेस ग्रेविटेशन के लिए हो जाएंगे, ये चार्ज ना हो के फिर ये मास दिया हुआ होगा यहाँ पर आपको, सिमिलर केसेस ग्रेविटेशन में चले जाएंगे, तो ग्रेविटेशन के लिए जो जनरलाइज फार्मूला हमने यूज़ किया
उसमें अल्फा की जगह पाई पुट कर देंगे, अल्फा की जगह पाई बाई टू पुट कर देंगे। वो केस मैं नहीं ले रहा हूँ, आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट के केस ले रहा हूँ मैं। अब मैं ग्रेविटी सिमिलर एनालॉगी लेता चलूँगा, ग्रेविटेशन को भी साथ साथ हम लेते चलेंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन जो है, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसी को हम लैम्डा के टर्म में लिखेंगे, तो ये लेंथ कितनी है, ये पाई आर ना, तो पाई आर का हाफ कितना, पाई आर बाई टू। तो इसमें से एक पाई बाई टू आर उठा के ऊपर ले जाओ, पाई बाई टू आर उठा के ऊपर ले जाओगे, तो पाई बाई टू आर उठा के ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, क्यू अपॉन पाई आर अपॉन टू। ये पाई बाई टू और ये आर, पाई आर अपॉन टू ले गया ऊपर, नीचे क्या बचा, टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ से रूट टू, तो नीचे बचा टू अंडर रूट टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज व्हाट, लैम्डा। तो लैम्डा के टर्म में फील्ड कितनी है, लैम्डा अपॉन टू अंडर रूट टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्लियर बच्चों? नाउ अगर आपको ये सिचुएशन दी है, हाफ ऑफ द रिंग पे चार्ज दिया है प्लस और अनदर हाफ पे दिया है माइनस, यहाँ लैम्डा, ये चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा, दोनों चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इस सिचुएशन में हमें फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द रिंग। हाफ पे डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव और सेकंड हाफ पे डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लैम्डा लैम्डा, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं सेम ले रहा हूँ लैम्डा लैम्डा। तो इस वाले पोर्शन की वजह से, इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से फील्ड कहाँ आएगी, नीचे, और इस नेगेटिव की वजह से भी कहाँ आएगी, नीचे, दोनों का नीचे आएगा फील्ड। अभी मैंने लैम्डा के टर्म में कितना निकाला है, अगर आप याद करें, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकाला है सेमी सर्कल के लिए, आर इज द रेडियस, ठीक है। तो इस सेमी सर्कुलर का नीचे को, इसका भी नीचे को, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो कितना बनेगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे वैरायटी ऑफ केसेस आपको मिलेंगे बुक्स में, क्वेश्चन जब आप लगा रहे होंगे, ठीक है। तो उन वैरायटी ऑफ केसेस को ऐसे लगा के चल सकते हैं, क्लियर। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ज़ीरो, इस सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से जितनी नीचे होगी, इसकी वजह से उतनी ही ऊपर होगी। और अभी अभी हमने देखा भी है, सेमी सर्कुलर होल सर्कुल के सेंटर पे फील्ड अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है, ज़ीरो, पिछले वाले रिजल्ट में, क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 में एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करके। यहाँ भी देख लें, अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये वाला हाफ जितना फील्ड नीचे को प्रोड्यूस करेगा, सेम फील्ड नीचे वाला हाफ उतना ही ऊपर को प्रोड्यूस कर देगा, तो फील्ड क्या आएगी, ज़ीरो, क्लियर। तो यहाँ पे आएगी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बाकी और केसेस आप देखें, क्वेश्चन जो नहीं बने, अब इस रिंग वाले के जितने भी क्वेश्चंस हैं पॉसिबल, वो सारे आपसे हो जाने चाहिए। नाउ द थर्ड सिचुएशन देखें, फिगर शोज अ चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ एल, टोटल चार्ज ऑन दिस लेंथ इज क्यू, टोटल लेंथ इज एल,
टोटल चार्ज इज क्यू एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो हमने क्या करना है, इसका लैम्डा गिवन है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज गिवन टू यू, लैम्डा इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। कैसी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर नेट लेंथ आपको गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस वायर से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, बच्चों इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ध्यान देना है, मैंने ये बाइसेक्टर नहीं लिया है, ठीक है, मैंने ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ दोनों सेम नहीं है, ये बाइसेक्टर नहीं है इस वायर का, बाइसेक्ट नहीं किया मैंने इसको, ठीक है, यहाँ पर वायर की लेंथ ज़्यादा है नीचे, और ऊपर वायर की लेंथ, सॉरी नीचे वायर की लेंथ कम है और ऊपर वायर की लेंथ ज़्यादा है, बाइसेक्टर नहीं है ये, क्लियर। तो मैंने क्या करना है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो फील्ड निकालने के लिए अगेन हम वही काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे, मेरी बात को गौर से सुने, फील्ड कहाँ है कि इधर DE, ठीक है, अगर मैं सिमिलर एलिमेंट इतनी ही डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ चला जाऊँ, जितनी डिस्टेंस ये यह है यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ सिमिलर एलिमेंट ले लूँ, सेम डिस्टेंस पे, सेम पॉइंट पे सिमिलर एलिमेंट ले लूँ, तो ये डिस्टेंस अगर ये हमारा r है और ये x है तो ये भी x होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि एलिमेंट मैंने सिमिलर लिया है, तो इस पे चार्ज और इस पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, कैसा एलिमेंट लिया है, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इसकी वजह से फील्ड कहाँ आएगी, इधर आएगी। अब अगेन वही बात जो रिंग के लिए हमने डिस्कस की थी, अगर इन दोनों की, ये दोनों फील्ड सेम आएंगे, इन दोनों फील्ड को अगर मैं कंपोनेंट में ब्रेक करके लाऊं यहाँ पर और यहाँ पर ब्रेक करूँ कंपोनेंट में, तो इसका कंपोनेंट यहाँ मिलेगा एक, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ मिलेगा और एक कंपोनेंट यहाँ मिलेगा, तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अगर मैं बाइसेक्टर ले लूँ, अगर मैं ये जो मैंने वायर लिया है, इस वायर को मैं बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट ले लूँ, बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, ये वायर का बाइसेक्टर ले लिया, ये बाइसेक्टर ले लिया, तो जितने एलिमेंट नीचे होंगे उतने ही ऊपर होंगे, इस इन सबसे लोअर एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मुझे मिलेगा यहाँ, ये बाइसेक्टर है, तो इसका फील्ड यहाँ अगर नीचे आएगा तो इसका फील्ड ऊपर आएगा, अगेन कैंसिल आउट कर देंगे, तो नीचे वाले हाफ में जो एलिमेंट होगा उसी सेम करस्पॉन्डिंग पोजीशन के लिए, जो सेकंड हाफ में जो एलिमेंट होगा उसके ये वाले, इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल कर रहे होंगे, तो बाइसेक्टर पे जो फील्ड मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, अलोंग द बाइसेक्टर, ये कंपोनेंट कैंसिल कर रहे होंगे, क्लियर। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा होगा, कितनी लेंथ के साथ, जितनी लेंथ वायर की यहाँ है, जितनी लेंथ वायर की यहाँ है, इस करस्पॉन्डिंग लेंथ के करस्पॉन्डिंग सिमिलर लेंथ में जो एलिमेंट होंगे वो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल कर रहे होंगे, बट इसके ऊपर जो एलिमेंट है, ये वाला जो वायर है, इसके एलिमेंट की वजह से फील्ड कहाँ मिलेगी, नीचे, और जब उसके कंपोनेंट को ब्रेक करोगे इससे ऊपर, तो वो कंपोनेंट कहाँ मिलेंगे आपको, नीचे को मिलेंगे, एक कंपोनेंट नीचे मिलेगा, एक उधर मिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले एलिमेंट्स के डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है, क्या समझाया मैंने, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वल लेंथ है उसके ये वाले कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कैंसिल कर रहे होंगे सेम पोजीशन पे दोनों हाफ में, लेकिन ऊपर ये वाले कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। तो फील्ड अगर मैं देखूं तो फील्ड का यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद
अगेन मैं डायरेक्ट रिजल्ट देख रहा हूँ और इस डायरेक्ट रिजल्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करूँगा जिससे क्वेश्चन हो जाए हमारे, क्या मिलेगा? एक तो यहाँ मिलेगी फील्ड और एक मिलेगी यहाँ पैरेलल टू द वायर, दो फील्ड मिलेंगी। ये फील्ड कहाँ से आई है? ये फील्ड आई है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है वायर की, जो एक्स्ट्रा लेंथ है, इस लेंथ की वजह से जो फील्ड के एलिमेंट्स, इस एक्स्ट्रा लेंथ में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो फील्ड आएंगे यहाँ, उन सारे फील्ड के कंपोनेंट्स एड अप हुए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये किस वजह से आई है? ये आई है सारे वायर पे जो एलिमेंट्स हैं, उन सारे वायर्स के एलिमेंट्स के सारे कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एड अप हो गए हैं, ठीक है? तो दो कंपोनेंट मिलेंगे यहाँ अगर बाइसेक्टर नहीं है ये, एक अलोंग द वायर ई पैरेलल और एक दूसरा परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है? कहाँ जाना है? जिधर छोटी लेंथ है, अगर वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, वायर पे पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाना है? जिधर छोटी लेंथ है वायर की उधर मिलेगा पैरेलल कंपोनेंट, और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो उल्टी हो जाएगी वैल्यूज, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ये ऊपर मिलेगा कंपोनेंट, ये इधर मिलेगा, ठीक है? जनरली आपको पॉजिटिव चार्ज का केस ही गिवन होता है। तो मुझे ये ई पैरेलल मिला और ये ई परपेंडिकुलर मिला, तो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर क्या होंगे? अगर ये वाला एंड और ये एंड यहां पे ये एंगल बन रहा थीटा वन और ये वाला एंगल बन रहा थीटा टू, ये दोनों एंड्स ऑफ द वायर इस पॉइंट पे ये एंगल बना रहे थीटा वन थीटा टू, ये आर है डिस्टेंस, तो ई परपेंडिकुलर मिलेगा आपको मेरे बच्चों ई परपेंडिकुलर मिलेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है? और ई पैरेलल मिलेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अगेन वही छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट करके आता है, एक्स छोटा सा एलिमेंट लेके उसका फील्ड निकाल के कंपोनेंट में ब्रेक करके रिजल्ट को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है? सुटेबल वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके, तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे ऑन बाइसेक्टर, जैसे आप एस सी वर्मा में जाएंगे तो उसने बाइसेक्टर पे फील्ड निकाल रखी है, कैलकुलेट कर रखी है इंटीग्रेशन से, हम इस रिजल्ट पे डायरेक्टली लगाएंगे ऑन बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर हो वायर का तो वायर के बाइसेक्टर के लिए थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर थीटा, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है? ये वायर है सॉल्ड, कैलकुलेशन किया हुआ है सिवर्मा में, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये कितना हो गया आपका एल बाई टू, ये कितना हो गया एल बाई टू, ये आर, ठीक है? तो यहाँ से कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ई पैरेलल क्या हो गया ज़ीरो, बचे का क्या ओनली ई परपेंडिकुलर, तो फील्ड आएगी ओनली अलोंग बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों? क्या आएगी बाइसेक्टर पे? ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई टू अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज,
तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एल बाई टू अपॉन अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्यू के टर्म में चाहिए तो लैम्डा की जगह क्या रख दोगे यहाँ, क्यू एल, या लैम्डा और ये एल, लैम्डा और एल मिलके क्या हो जाएगा, क्यू, लैम्डा और ये एल मिलकर क्या दे देगा आपको, क्यू, लैम्डा एल इज क्यू। ठीक है बच्चों, ये बाइसेक्टर का केस हो गया। अगर हमारे पास सेकंड केस ऐसा है, मान लें वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट लाइंग इन द मिडिल, ये केस हम गॉस थ्योरम में भी डिस्कस करेंगे। ये वायर के दोनों एंड कहाँ चले गए, इन्फिनिटी को, और ये पॉइंट मिडिल में लाई कर रहा है, दोनों एंड इन्फिनिटी को चले गए, तो इन्फिनिट लॉन्ग है वायर, ये एंड इन्फिनिटी को गया, ये एंड इन्फिनिटी को गया, यहाँ पे निकालनी है मैंने पी, तो जब ये एंड इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, तो थीटा टू कितना होगा, पाई बाई टू, और थीटा वन भी ये एंड इन्फिनिटी पे मिलाओगे ना ले जाके, तो थीटा वन और थीटा टू दोनों कितने होंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, पाई बाई टू, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री इनफाइनाइटली लॉन्ग इस केस में, तो कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो हो गया अगेन, ई पैरेलल जीरो, तो ई पैरेलल नहीं मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा ओनली ई परपेंडिकुलर, साइन 90 प्लस साइन 90 वन प्लस वन टू, लैम्डा अपॉन टू यहाँ है, फोर यहाँ है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बाइसेक्टर वाला केस, मतलब बाइसेक्टर नहीं, वो अलोंग द दिस आर, अलोंग द परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर के परपेंडिकुलर मिलेगी फील्ड। ठीक है, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जैसे बाइसेक्टर में पैरेलल पे जीरो, वैसे यहाँ पैरेलल पे जीरो हो जाएगा फील्ड, ई पैरेलल जीरो हो जाएगा। क्लियर बच्चों, थर्ड सिचुएशन देखें, थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन इस वायर के लिए, थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट लाइंग एट वन एंड, ये एंड इन्फिनिटी को गया और यहाँ एक एंड पे लाई कर रहा है पॉइंट, पॉइंट लाइंग एट वन एंड। ठीक है, तो ये वाला एंड इस पॉइंट पे जो थीटा वन थीटा टू एंगल बना रहा था, तो कितना हो गया थीटा टू, जीरो, और ये वाला एंड जो इन्फिनिटी पे गया कितना एंगल बना रहा है, थीटा वन कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंड थीटा वन बना रहा था ना, और ये एंड थीटा टू बना रहा था, तो थीटा टू कितना हो गया यहाँ, जीरो डिग्री, और थीटा वन कितना हो गया यहाँ, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जब थीटा वन जीरो हो गया, तो थीटा वन जी 90 रखो, साइन 90 वन और साइन जीरो जीरो, तो ई परपेंडिकुलर क्या मिला आपको, ई परपेंडिकुलर मिला लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कहाँ मिलेगा, इधर, और ई पैरेलल में थीटा टू जीरो रखो, और थीटा वन 90, थीटा वन 90 रखा तो ये जीरो हो गया, और थीटा टू जीरो रखा तो ये कितना हो गया, वन, कॉस जीरो वन, तो माइनस मिलेगा, माइनस का मतलब ये ई पैरेलल आया था नीचे वाली डायरेक्शन के लिए, ये डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी, क्योंकि वायर इधर है, ऐसे मिलेगा ई पैरेलल, मॉड ले लूँ खाली माइनस हटा के, ये भी कितना मिलेगा,
लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज मिलेंगी अगर पॉइंट एक एंड पे है, इफ पॉइंट लाइंग एट वन एंड, ये वायर है तो इस पॉइंट पे फील्ड मिलेगा दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर मिलेगा, ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वायर के अलोंग मिलेगा अगेन लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये तीन केसेस मैंने आपको दिए, स्ट्रेट वायर के लिए होल रिंग के एक्सिस पे फील्ड एंड रिंग के पोर्शन ऑफ द रिंग के सेंटर पे फील्ड, क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट, दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको घर के लिए, ये दोनों एंड इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फाइनाइटी लॉन्ग वायर को ऐसे यू शेप में बेंड कर दिया, चार डेंसिटी लैम्डा है, चार डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये सर्कुलर पोर्शन है, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, सेमी सर्कुलर पोर्शन, ये इसका सेंटर है, आर इज द रेडियस एंड द सेकेंड इज ये अगेन सर्कुलर पोर्शन है, क्वार्टर सर्कल है, चार्ज डेंसिटी अगेन लैम्डा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओ ओ इज द सेंटर, फाइंड दोनों केसेस में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इन बोथ केसेस। अगली क्लास में मिलेंगे, मेरी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़।